लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। राजकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण करते सांसद पंकज चौधरी, फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के पिपरा मौनी में आईटीआई भवन का लोकार्पण करते सांसद पंकज चौधरी के साथ फरेंदा विधायक बजरंग बहादुर सिंह। महाराजगंज जिले के फरेंदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा मौनी में आज बृहस्पतिवार को फरेंदा विधानसभा क्षेत्र 315 के पिपरा मौनी में सांसद पंकज चौधरी व विधायक बजरंग बहादुर सिंह द्वारा आईटीआई भवन का लोकार्पण किया गया। सांसद पंकज चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति अग्रसर है। आपको बता दें कि फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के पिपरा मौनी में राजकीय आईआईटी भवन का शिलान्यास करने के बाद विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार सड़क बिजली पानी के लिए कटिबद्ध है। जगह जगह सड़कों का निर्माण बिजली पानी का प्रबंधन कर रही है। उक्त संबोधन में विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि गांव-गांव सड़क घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति कम है और जल जीवन मिशन के माध्यम से इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा एक अच्छी पहल है कि गांव-गांव संपर्क मार्ग से जुड़े अच्छे सड़क हो, गांव-गांव बिजली से सुभोषित हो, पेयजल सुविधा पर भी ध्यान दे रही है। क्षेत्रीय विधायक बजरंग बहादुर सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही लोगों की मूलभूत समस्या पर ध्यान देना शुरू किया, चाहे बिजली हो, आवास हो, शौचालय हो। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रही है। इस अवसर पर सांसद पंकज चौधरी के साथ विधायक बजरंग बहादुर सिंह, पूर्व विधायक शिवेंद्र चौधरी, नगर पंचायत आनंद नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूपी के जनपद महाराजगंज के फरेंदा से अलाउद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।